टीथिंग सीरीज पर नेक्स्ट वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और आज हम चर्चा करेंगे इस वाली बात पर कि क्या दूध के दांतों में जड़ें होती हैं, क्योंकि एक ये मिथ है कि दूध के दांतों में जड़ें नहीं होती। और एक दूसरा मिथ जो प्रचलित है सबसे ज्यादा कॉमन, वो यह मिथ है कि दूध की जो दाढ़ें होती हैं वो नहीं गिरती। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। टीथिंग का मतलब होता है कि दूध के दांत का आना, दूध के दांत का फिर गिरना, उसकी जगह परमानेंट टूथ का आना। तो इस पूरे प्रोसीजर को टीथिंग कहते हैं। इस पर मैंने जो पहले से पहले जो वीडियो बनाया, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जो टीथिंग प्लेलिस्ट है चैनल पर जाकर के आप उसमें देख सकते हैं। मैं उन वीडियोज की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहां से भी आप उनको क्लिक करके देख सकते। तो सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। मैं हूं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काम की बात, डॉक्टर कौशलेंद्र दुबे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जैसे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, सबसे पहला कॉमन मिथ के दूध के दांतों में जड़ें नहीं होती। एक्चुअली क्या है कि जो पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि जब दूध का दांत गिरता है, घरों में मोस्टली जो दूध के दांत है वो घरों में ही निकलते हैं, तो जब वो दूध के दांत हमारे हाथों में आते हैं तो उसमें जड़ नहीं होती है। तो नॉर्मल जो थिंकिंग होती है वो यही होती है कि दूध के दांत में जड़ नहीं होती है। पर ऐसा नहीं है कि दूध के दांत में जड़ नहीं होती है। एक्चुअली क्या होता है कि दूध के दांत में भी जड़ होती है, लेकिन जब इरप्शन प्रोसीजर होता है परमानेंट टूथ का, तो धीरे धीरे जो परमानेंट टूथ है वो नीचे से जब आता है तो वो जो दूध का दांत की जो जड़ है उनको रिजॉल्व करता हुआ आता है, और उसके पीछे से जो इरप्शन पाथ है उसको बनाता हुआ धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है, और उसी इरप्शन पाथ से वो बाहर निकलता है। तो जब वो दूध का दांत गिरता है और परमानेंट टूथ निकलता है, उस ड्यूरेशन तक आते आते वो दूध के दांत की जड़ को रिजॉर्व कर चुका होता है। इसलिए जब दूध का दांत गिरता है तो हमें उसमें जड़ नहीं दिखाई देती, इसलिए हम यह सोचते हैं कि दूध के दांत में जड़ नहीं होती। अब जो दूसरा कॉमन मिथ है वो यह है कि दूध की दाढ़ें नहीं गिरती, तो ऐसा भी नहीं है। दूध की दाढ़ें गिरती हैं। जो परमानेंट टूथ हैं वो 32 होते हैं और जो डेसुडस टूथ हैं वो 20 होते हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया था कि जो डेसुडस टूथ हैं वो 20 होते हैं, यानी कि ये 20 के 20 दूध के दांत जो हैं वो गिरेंगे और उनकी जगह परमानेंट टूथ आएंगे। अब होता क्या है कि हम यह क्यों सोचते हैं, जो नॉर्मल पब्लिक है वो ऐसा क्यों सोचती है कि दूध की दाढ़ें नहीं गिरती? तो ऐसा इसलिए सोचा जाता है क्योंकि जो परमानेंट मोलर होता है, फर्स्ट मोलर यानी जो परमानेंट दाढ़ जो होती है पहली, वो आ जाती है 6 साल की उम्र में ही। जो सामान्य पब्लिक है या सामान्य जो लोग हैं वो उसको यह सोचते हैं कि यह भी दूध का ही दांत है, जबकि ऐसा नहीं होता। 6 साल की उम्र में परमानेंट फर्स्ट मोलर आ जाता है जो कि दूध का दांत नहीं होता, तो वो नहीं गिरेगा, लेकिन उससे पहले के जो मोलर है यानी जो दूध के दांत हैं वो पक्का गिरेंगे। हाँ, बस यह जरूर होता है कि जब दूध की दाढ़ें गिरती हैं, यानी कि दूध का जो फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर गिरता है, तो उनकी जगह फिर मोलर नहीं आता, उनकी जगह फिर आता है परमानेंट फर्स्ट प्रीमोलर और परमानेंट सेकंड प्रीमोलर। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में टीथिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, क्योंकि मैं इस पूरी सीरीज में टीथिंग से रिलेटेड ही वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ जब यह सीरीज खत्म होगी तब आपका टीथिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं रह जाएगा। तो नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जाना चाहूंगा, जय हिंद।